subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. So, how are we going about it? So we'll start with her bite. Whatever. Are we starting with any questions and answers or something? Okay. Chalo, chalo. Hello. मेरा पील हो रहा है बिकॉज टैन के वजह से यूएस के वजह से माय स्किन दिख रहा है बहुत ज़्यादा नहीं अभी नहीं दिख रहा बाल है ना हम ये आप ये साइड पे आ सकते हैं हाँ ये प्रोफाइल का थोड़ा थोड़ा सा इधर ले थोड़ा सा इधर ले जी माइक चेक हाँ ओके बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू एक बहुत ही अच्छा शानदार फोटोशूट चल रहा है जी वी जस्ट वांट टू नो किस तरह का ये फोटोशूट होगा और किस पर्पस के लिए जी so as a model you know I always keep doing photo shoots every 6 months har 6 mahine mein hum apna portfolio refresh karte hain because aap you're changing every 6 months aapke looks badal rahe hain aapki personality badal rahi hai so there's a new you so it's a norm har 6 mahine mein hum portfolio alag alag photographers ke sath shoot karte hain so I'm very excited about this photo shoot and I've been very lucky that mujhe mauka mila hai duniya ke bahut acche photographers ke sath shoot karne ka india ke top photographers ke sath shoot karne ka right from atul to dabu to rafiq sayed to prasad nayak to Suresh Natarajan to so many so I'm very very I feel I'm very fortunate to have an opportunity like this uske baad IFA ke bare mein ye kehna chahungi ki it was an amazing experience to host IFA the green carpet and I met so many of our fraternity people there and it was such a successful event khas karke jo sare wahan ke locals the wo kitne excited the ki bollywood ka koi itna amazing event wahan pe ho raha hai so log दूर दूर से ट्रैवल करके वो इवेंट एक्चुअली 6 घंटे लंबे खींच गया तो सारे लोग एंड यू नो 1 घंटा ट्रैवल करके 6 घंटे शो में बैठकर 1 घंटा वापस आना सो 8 घंटे का वो जो पूरा ये था लोगों ने इतने हंसी खुशी और प्यार के साथ उस इवेंट को विटनेस किया दैट इट वाज समथिंग टू सी यू नो सो या इट वाज अमेजिंग टू बी एसोसिएटेड विद आईफा आईफा का जो ये फेस्टिवल था ये एंथुसियाज्म की वजह से अपने आप पॉपुलर तो हुआ जी लेकिन एक एक्ट की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ नेपोटिज्म रॉक्स तो इस पर आप क्या कहेंगे यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दिस इशू क्योंकि ये इशू कंगना में बहुत इशू जी, है जी, आप भी बॉलीवुड फ्रेंड हैं जी जी तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट नेपोटिज्म बॉलीवुड यू नो आई पर्सनली फील नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हर जगह है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हैं जहाँ पे रेफरेंस के थ्रू रिकमेंडेशन के थ्रू या शायद फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट आई डू अग्री कि अगर आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं तो आपके लिए डोर्स ज़्यादा खुले रहते हैं थोड़ा आसान होता है आपके लिए थोड़ा नहीं काफ़ी आसान होता है एटलीस्ट वो फर्स्ट ब्रेक मिलना उसके बाद चलना ना चलना और सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अनदर बॉल गेम बट वो पहली चीज़ को क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली आई थिंक आई वुडन्ट डिनाई दैट बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी बैकिंग के खड़े हुए हैं जैसे कि शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कंगना खुद बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि शी इज़ मेड इट ऑन हर ओन यू नो ऑफकोर्स देर वुड बी पीपल ऑलवेज टू पुश यू फर्दर टू हेल्प यू टू गाइड यू बट प्रिटी मच सो आई वुड बिलीव कि ये भी है और वो भी है तो नेपोटिज्म भी है बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं विच ऑल्सो प्रूव्स कि अगर आपका नसीब बुलंद हो और आप में टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ओके इस तरह इतने बड़े स्टेज पे इस तरह से नेपोटिज्म को लेके मजाक उड़ाना फिर बाद में उस बात का एहसास करना फिर उसकी माफ़ी मांगना हाउ जस्टिफाई यू थिंक यू नो नेपोटिज्म
कि यू नो फर्स्ट दे से कि यू नो नेपोटिज्म रॉक्स देन दे कम ऑन ट्विटर यू नो दे से कि दिस इज सॉरी अपोलोजेटिक एंड वी आर सॉरी फॉर इट डू यू थिंक इट्स जस्टिफाई यू नो एक बार आप जाते हैं आप किसी का मजाक उड़ाते हैं विद पीपल फ्रॉम द फीमेल फ्रॉम योर इंडस्ट्री फिर आपको रियलाइज होता है कि हमने गलती कर दी फिर आप उसको ठीक करते हैं हाउ जस्टिफाई इट इज आई डोंट मे बी एट द मोमेंट उनसे वो लाइक दे सेड कि मजाक हो गया बट यू नो इन अ टाइम लाइक दिस जहाँ आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं बिकॉज सोशल मीडिया इतना रैम्पेंट है इतना स्ट्रांग है आज के टाइम पे एंड दीज आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होंगे सो आई बिलीव मजाक में कह रहे हैं बट आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस कोई चीज़ शायद मजाक में नहीं ली जा सकती आई थिंक वन हैज़ टू बी सो 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 गार्डेड एंड केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज कोई भी चीज़ जाके कब ट्विस्ट हो जाए यू डोंट नो यू नो सो आई थिंक मुझसे भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ कही है वो कुछ और चीज़ बनकर इंटरनेट पे आई है और मैंने खुद जब रीड किया मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एक्चुअली नहीं बोला बट आई थिंक इट्स अ टाइम इट्स द टाइम्स आर सच दैट वी नीड टू बी मे बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर सेइंग ओके यू नीड अ पावर या और भी हम जानते हैं कि आपके और भी लाइनअप से सॉन्ग की फिल्में भी कर रहे हैं जी तो लेट अस नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जी सो आई हैव डन अ साउथ फिल्म कॉल्ड किंग लायर विद द मलयालम सुपरस्टार दिलीप एंड इट वाज सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी द फिल्म डिड वेरी वेल द फिल्म वाज अ सुपर हिट एंड उसके बाद अराउंड द सेम टाइम आई हैड साइंड अ फिल्म कॉल्ड बाबा ब्लैक शीप जिसमें जिसको विश्वास पांड्या ने डायरेक्ट की है एंड देयर्स अनुपम खेर इन इट देयर्स मनीष पॉल देयर्स मंजरी देयर्स के मेनन देयर्स अनु कपूर So it's a comedy thriller and it's an ensemble cast and it should release in a few months and I'm very excited about that. And I don't know if you all have watched Inside Edge, the web series, I'm a part of that. So it was amazing to shoot that series and to be part of such an amazing show produced by by Excel, you know, which I feel it makes amazing content so I'm very thankful that I got these opportunities okay thank you so much and wish you all the best thank you. So sweet of you thank you okay. I think it's one of if you all got any behind notes so I'll just properly post because right sure. now main sure. jo